नमस्कार। यूपी मिश्रा का मैं अपने आवाज से ही आपसे बात कर रहा हूं। आज एकदम अलग कुछ चैप्टर है। देहाती भाषा में बोला जाता है सतैसा या नक्षत्र संधि में जन्म लेना। तीन नक्षत्र हैं जिनकी संधि खराब होती है। अश्विनी में जन्म लेना और रेवती में जन्म लेना ये नक्षत्र संधि कहलाती है। किसी आदमी का जन्म अश्विनी में हुआ या रेवती में हुआ तो ये जंक्शन स्टार है। ये यहाँ पर देखिए ये मिल रहा है, इसके इसमें नौ टुकड़े होंगे, फिर इसमें नौ टुकड़े होंगे, फिर इसमें नौ टुकड़े होंगे, तो 27 नक्षत्र का टुकड़ा हो गया। तो हमेशा जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो आधुनिक माता पिता की बात तो मैं नहीं जानता, लेकिन हम लोग जो दादाजी लोग हैं वो लोग बराबर बोलते हैं कि जरा देखवा लो कि 27 नक्षत्र में तो नहीं पड़ा, मतलब तो अश्विनी में तो नहीं पड़ा है जन्म हुआ है या रेवती में तो जन्म नहीं हुआ है, आश्लेषा में जन्म हुआ है या मघा में जन्म हुआ है तब भी ये जंक्शन नक्षत्र हो गया, ज्येष्ठा में या मूल में जन्म हुआ है तब भी ये जंक्शन हुआ। तो इस नक्षत्र में जंक्शन नक्षत्र में जन्म लेने वाले बच्चों को कुछ न कुछ तो असर होता है, ये सच है, ये सच है। तो एक सीधा हिसाब था पहले कि चलिए पंडित जी से नक्षत्र शांति करवा लें। तो पंडित जी नक्षत्र शांति करवाने वाली बात तो वहां तक तो थी और पंडित जी करते भी थे पहले काल, कारण कि पंडित जी कुल पुरोहित हुआ करते थे, कुल के जो पुरोहित होते थे वही पंडित जी कहलाते थे। सारा पूजा पाठ धर्म कर्म से जुड़ा हुआ सारा काम वो करते थे। अब अभी तो क्योंकि हम लोग का पैर उखड़ गया अपने गांव से, ओरिजिनल प्लेस से, कुल देवता से, सबसे पैर उखड़ गया और हम लोग शहरों में आ गए। शहरों में भी आने के बाद इंडिया छोड़कर के विदेश भी जाके बसने लगे, तो जो हमारी संस्कृति थी बहुत सारी चीज हम लोग भूल गए हैं और छूट गए हैं और उसके कारण दुख उपजता है, ये सत्य है, ये सत्य है। तो आज हमने सिर्फ रखा है उन लोगों के लिए जिनका जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है या जिनका जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ है। ये दो जंक्शन पॉइंट, रेवती जहां खत्म होती है वहां से अश्विनी शुरू होता है। रेवती जहां खत्म होता है यहां पर से, तो यहां पर से अश्विनी शुरू होगा। दिस इज द जंक्शन पॉइंट। और सबको मालूम है नक्षत्र सिद्धांत से पहला नक्षत्र अश्विनी होता है, मेष राशि में पड़ता है, और रेवती अंतिम तारा है, 27वां है नक्षत्र, ये मीन राशि में होता है। तो एक मेष राशि और मीन राशि में जन्म लेने वालों के लिए थोड़ा ये भय रहता है कि उनका जन्म का नक्षत्र 27 के अंदर तो ना पड़ जाए, ऐसा है, तो चेक करवाते हैं। तो मैंने आज ये अश्विनी नक्षत्र और रेवती नक्षत्र के बारे में लिया। लगे हाथ बता दें, अश्विनी नक्षत्र बांस को रिप्रेजेंट करते हैं, बांस, बैम्बू। किसी ने कहा था कि वृक्ष के बारे में बताइए, बताऊंगा, सब चीज समय पर हिसाब धीरे धीरे बताया जाता है। तो अश्विनी नक्षत्र बैम्बू को बोलते हैं, बांस को बोलते हैं, और रेवती नक्षत्र महुआ को बोलते हैं, महुआ गाछ को।
जिनके उससे जो फल छोटे छोटे फूल निकलते हैं उसे शराब बनाई जाती है, या लिकर बनता है वैसा ही, जिसमें थोड़ा सा शराब जैसा नशा होता है। तो महुआ के वृक्ष को रेवती रिप्रेजेंट करता है और बैम्बूस को अश्विनी नक्षत्र रिप्रेजेंट करते हैं। इस दोनों नक्षत्र में अब तो याद रहेगा कि यदि बैम्बू वाला नक्षत्र जो अश्विनी का है उसमें यदि किसी बच्चे का जन्म हुआ तो उसको शांति कराना पड़ेगा, नहीं तो उसके शरीर में कुछ रोग या कष्ट या कुछ चीज ऐसी पड़ी रह जाएगी जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, भोगना ही पड़ेगा। उसी तरह से यदि रेवती नक्षत्र में किसी का यानस भाई सर जी आए हैं, उसी तरह से रेवती नक्षत्र में किसी का जन्म हो गया तो याद पड़ेगा ये महुआ गाछ है, कुछ न कुछ बुराई इनमें हो जाएगी। अब इस बुराई में शरीर भी खराब हो सकता है, नसीब भी खराब हो सकता है, या और भी बातें हो सकती हैं। कष्टार इष्टम घोर भयम, तो ये कुछ भी हो सकता है, इसलिए इसकी शांति कराई जाती है। अब पंडित जी लोग जो आधुनिक पंडित जी जो कुल पुरोहित हुआ करते थे उनको छोड़ करके जब पंडित जी लोग मंदिरों में हैं और जब लोग बोलते हैं कि पंडित जी नक्षत्र शांति करा दीजिए, तो इतना लंबा चौड़ा और सिस्टम बता देते हैं कि तो पहले ही परेशान हो जाता है गार्जियन, बच्चा जन्म लिया और इतना खर्चा करा रहा है और इतना परेशानी सबको, तो वो थोड़ा दिक्कत तो जरूर है, लेकिन उसके सरल मार्ग भी हैं, मैं आपको बताऊंगा। हम नक्षत्र के बारे में बताए हैं तो हमने बताया है अश्विनी नक्षत्र के दुख के कारण कुछ समस्या हो तो पूजा करने के लिए गणेश जी की पूजा होती है, हमने लिखाया है नक्षत्र का जब गोत्र उत्र लिखाया है उसमें हमने लिखा है, चेक कर लीजिएगा। और उसी तरह से रेवती नक्षत्र में यदि किसी का जन्म हुआ है और उसमें उनको कष्ट हो रहा है, परेशानी हो रही है, तो श्री विष्णु भगवान की पूजा करने से थोड़ी शांति मिलती है। तो एक तो तरीका ये है भगवान श्री गणेश और श्री लक्ष्मी विष्णु की पूजा हो, दूसरा है नक्षत्र की शांति की जाए। सताईसा नक्षत्र जो होता है ठीक 27वें दिन आता है, जैसे आज अश्विनी नक्षत्र है तो आज से 27वें दिन फिर अश्विनी आएगा, तो चूंकि 27वें दिन पड़ता है इसलिए इसका नाम है सताईसा, 27वें दिन पड़ने वाला नक्षत्र। हर नक्षत्र अपने से 27वें दिन फिर से रिपीट करता है, इसलिए कि टोटल 27 नक्षत्र है और सर्किल है तो रिपीट करेगा 27वें दिन। तो फिर जिस दिन 27 दिन के बाद जब वही सेम नक्षत्र आएगा तो उसी नक्षत्र में ही पूजा पाठ होती है, या जब कभी भी जिनका अभी 27 पूजा कभी हुआ ही नहीं हुआ हो और उनका जन्म यदि अश्विनी में, रेवती में, आश्लेषा में, मघा में, ज्येष्ठा में और मूल में हुआ है और कभी शांति हुई ही नहीं अज्ञानता बस या ज्ञान रहते हुए भी, तो भी उनका जब वही सेम नक्षत्र जब आएगा आकाश में तभी वो पूजा होगी या शांति होगी। मैं सरल तरीका बता दूंगा, बहुत सरल तरीका बता दूंगा जो कष्ट साध्य नहीं है और खर्चीला भी नहीं है, वो भी मैं बता दूंगा आपको। तो पहले तो देखिए रेवती नक्षत्र जो है वो अंतिम नक्षत्र है, तो हर नक्षत्र के चार चरण होते हैं, चार टुकड़े होते हैं। पहला टुकड़ा
रेवती का पहला टुकड़ा होगा यहां पर से 16 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री तक पहला टुकड़ा हुआ, दूसरा टुकड़ा हुआ 23 डिग्री 20 मिनट, तीसरा टुकड़ा हुआ 26 डिग्री 40 मिनट और अंतिम टुकड़ा चौथा टुकड़ा हुआ 23 डिग्री। मतलब यहां पर 360 डिग्री आकर के पूरा मिल जाता है। तो जब भी किसी का जन्म रेवती नक्षत्र के चार टुकड़े में हुआ हो या अश्विनी के चार टुकड़े में हुआ हो तो पूजा जग बनता है, पूजा कराना चाहिए। लेकिन अश्विनी और रेवती में थोड़ा सा ईश्वर ने रिलैक्स कर दिया है। देखिए मैं यहां पर लिखा हूं कि रेवती नक्षत्र के पहले टुकड़े में जिनका जन्म हुआ है, ये टुकड़ा जो 3 डिग्री 20 मिनट का है, मतलब 16 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री तक का जो है, ये शुभ है। इसमें यदि जन्म हुआ है तो ये शुभ है। इसमें यदि आप पूजा नहीं भी करा पाए हैं किसी कारणवश, तब भी आपका कल्याण है। ठीक उसी तरह से ये अश्विनी नक्षत्र का भी जो चौथा टुकड़ा है, 1 2 3 4 चौथा टुकड़ा मतलब हुआ 10 डिग्री से लेकर के 13 डिग्री 20 मिनट तक के अंदर को चौथा टुकड़ा बोलते हैं। चौथा टुकड़ा भी शुभ है। यहाँ राइट मार्क क्या है, ये भी शुभ है और ये भी शुभ है। अब शुभ है तो क्या है, इस चौथे टुकड़े में, रेवती के पहले टुकड़े में और अश्विनी के चौथे टुकड़े में किसी का जन्म हुआ है तो उसको राज्य प्राप्ति हो सकती है, धन मिलेगा, मान मर्यादा रुतबा प्रतिष्ठा संपन्नता सब कुछ मिलेगा, सक्सेस भी मिलेगा। तो ये दोनों नक्षत्र खराब होने के बाद भी रेवती का पहला टुकड़ा शुभ है और अश्विनी का चौथा टुकड़ा शुभ है। रेवती के पहले टुकड़े में जिनका जन्म हुआ है वो शुभ है और उसमें आनंद लिखा हुआ है। इस आदमी को जीवन भर आनंद भी मिलेगा, राज्य भी मिलेगा, धन भी मिलेगा। और उसी तरह से अश्विनी के चौथे टुकड़े में किसी का जन्म हुआ है तो उसके बारे में लिखा हुआ है कि आदमी इंद्र के समान होगा, मतलब धनी होगा, सुखी होगा, लेकिन पावर भी होगा। जैसे जितने देवता हैं, देवताओं के स्वामी इंद्र हैं, अग्नि देवता हो, जल देवता हो, वायु देवता हो, सबके स्वामी इंद्र हैं। उसी तरह से यदि किसी का जन्म अश्विनी के चौथे टुकड़े में हुआ है तो आदमी इंद्र के समान सुखी होगा। उस तैसा का असर चौथे टुकड़े में नहीं है, अश्विनी के चौथे टुकड़े में नहीं है और रेवती के पहले टुकड़े में नहीं है। सही पूछे तो हर टुकड़ा 27 नक्षत्र को चार टुकड़ा कर दीजिए तो 108 हो गया। तो ये 108 नवांश है, एक एक है, ये नवांश है। रेवती का पहला टुकड़ा या पहला नवांश, दूसरा नवांश, तीसरा नवांश, चौथा नवांश है। तुम रेवती के पहले टुकड़े में जिनका जन्म है आप लोग परेशान मत होइए। उसी तरह से अश्विनी के चौथे नवांश में किन्हीं का जन्म है तो आप आनंद मनाइए, डरिए मत। लेकिन एक चीज समझ लीजिए, ये समझने की चीज है, जंक्शन स्टार जहां जंक्शन होता है, जैसे ये बीच में है, इधर अश्विनी है और इधर रेवती है, तो जंक्शन तो ये हुआ ना। तो जंक्शन के पहला इधर, जंक्शन के पहला इधर, ये खराब होता है, इसमें कष्ट होता है। खास करके अश्विनी का जो पहला टुकड़ा है, यदि किसी का जन्म हुआ है तो
अपने को तो कष्ट होगा लेकिन पिता को भी कुछ कष्ट होगा, ऐसा इंडिकेशन इसमें रहता है। ये नहीं कि इस बच्चे के जन्म के कारण ही पिता को कष्ट होगा, ये जरूरी नहीं है। बच्चे को जो तकलीफ होगी वो तो अलग है, इनके पिता को भी कुछ तकलीफ हो सकती है, ये इंडिकेशन इसमें रहता है। रेवती के दूसरे टुकड़े में किसी का जन्म है तो उसको उच्च पद मिलेगा, हाई पोस्ट, ये भी शुभ है। और यहां भी तीसरे टुकड़े में भी किसी का जन्म है, अश्विनी के तीसरे टुकड़े में भी, तो इसको भी उच्च हाई पोस्ट मिलेगा। तो अश्विनी के तीसरे टुकड़े में जिनका जन्म हुआ है उच्च पद भी मिलेगा और भाग्यशाली भी होंगे। और रेवती के दूसरे टुकड़े में यदि किसी का जन्म हुआ है तो आदमी सुखी होगा, सुखी, सुख जैसे भी मिले लेकिन सुख होगा, चाहे नौकरी से हो, चाहे धन से हो, चाहे शरीर से हो, चाहे किसी का प्रॉपर्टी इनको मिल जाए या कुछ भी, किसी भी जेन के न प्रकार है ना सुखी होगा। लेकिन एक डिफेक्ट रहेगा कि आदमी बड़ा एंग्री यंग मैन होगा, झगड़ालू सा होगा, नेचर में थोड़ा प्रतिवाद करने वाली बात रहेगी। रेवती के तीसरे चरण में भी यदि किसी का जन्म होता है तो इसमें भी धन का लाभ होगा। रेवती के तीसरे चरण में भी यदि किसी का जन्म हुआ है तो सत्यशा नक्षत्र में जन्म हुआ पूजा करानी है, पहले चरण में जन्म हुआ पूजा करानी है, शांति करानी है, दूसरे चरण में भी जन्म हुआ तो शांति करानी है, शांति हर चरण में कराना है। अश्विनी में जन्म हो गया और रेवती में जन्म हो गया तो, लेकिन तीसरे चरण में यदि रेवती के तीसरे चरण में किसी का जन्म हुआ तो हम लोग बोलते हैं कि ठीक है, लाभ तो होगा, धन तो मिलेगा। जैसे मान लिया एक बहुत धनी घर में एक लड़का पैदा हो गया तो उस घर में इतनी प्रॉपर्टी है कि वो बिना कुछ काम किए पढ़े लिखे भी उसके पास इतनी संपत्ति है कि वो अपने बुढ़ापा तक काट लेगा आराम से। तो इसमें भी वो लिखा हुआ है कि रेवती के तीसरे चरण में जो है उसको धन का लाभ होगा, बट एट द सेम टाइम ही विल बी, शब्द है हिंदी का शब्द है मूर्ख, इंग्लिश में उसको फूल बोल सकते हैं, एफ ओ ओ एल। उस आदमी का व्यवहार ऐसा लगेगा कि एक तो नॉर्मल आदमी के ऐसा तो नहीं, मूर्खतापूर्ण बात क्यों करता है ये, पढ़ा लिखा ऊंचे कुल का आदमी, सत्पुरुष, अच्छे संस्कार के घर में जन्म लिया है, फिर भी मूर्खता ऐसा व्यवहार क्यों करता है, बातें इस तरह से क्यों करता है, व्यवहार ऐसा क्यों करता है, ये बात आपको खटकेगी। और रेवती के तीसरे पद में यदि किन्हीं की जन्म हुई है, हुआ है तो आदमी भाग्यशाली होगा, ये सत्य है। दूसरे में भी यदि किसी का जन्म होता है अश्विनी में, तब भी वो धन पाएगा, एट द सेम टाइम ही विल बी रिलीजियस। और पहले में है तो अपने को कष्ट होगा, उनके पापा को भी कष्ट हो सकता है। रेवती के पहले में पूरा शुभ है, आनंद ही आनंद है इसमें, लेकिन शांति करानी है। दूसरे चरण में किसी का जन्म हुआ तो उनको धन प्राप्ति मिलेगी, अच्छा पोस्ट भी मिलेगा, सुखी भी है झगड़ालू भी है। तीसरे चरण में किसी का जन्म हुआ है रेवती का तो वो थोड़ा मूर्खता सा व्यवहार करेंगे वो, लेकिन धनी होंगे, ये सत्य है। चौथे चरण में यदि किसी का जन्म हुआ है तो वो कंजूस होगा, साहसी भी होगा, शारीरिक कष्ट भी पाएगा, तो शांति करानी जरूरी है हर हालत में। तो जब
जंक्शन नक्षत्र होना ही अपने आप में एक हिसाब होता है कि विजंक्शन में क्यों पैदा हो गया आदमी। जैसे रेल की पटरी होती है तो दो रेल होता है तो उसमें जोड़ना पड़ता है ना, फिश प्लेट वगैरह लगाया जाता है, बोल्ट कसा जाता है। या जहां पर दीवारें बनाई जाती है, जहां पर दो कॉर्नर मिलते हैं दीवार के घर बनाते समय, वहां पर थोड़ा स्ट्रांगली चीजें बनाई जाती हैं कि ढहे नहीं गिरे नहीं। तो जंक्शन स्टार इज ऑलवेज ए स्टार जिसमें शांति की जरूरत होती है। अब रेवती में जन्म हुआ है तो श्री विष्णु की पूजा करनी जरूरी है। कुछ नहीं आता है तो एक शब्द, एक छोटा सा लाइन तो ओम श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम अबरानने। भगवान विष्णु का, विष्णु सहस्त्र नाम का है ये ओम श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम अबरानने। भगवान राम के शरण में जाइए ना, थोड़ा जपिए ना, बच्चे को भी सिखाइए ना, धीरे धीरे उसके कान में भी ये शब्द माता जी बोले ना, पप्पा भी कभी बोला करें ना, जब खिलाएं तो कभी कान गोदी में है तो उसके कान में कभी एक बार बोल तो दीजिए ओम श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम अबरानने। उसके बाद चुम्बन ले लीजिए, प्रेम से रखिए उसको। तो रेवती वाले ध्यान रखिए, आपको श्री विष्णु की पूजा करनी है, प्रार्थना करनी है, जीन चीन जितना आपको आता है उतना ही, जान प्राण देने की जरूरत नहीं है, लेकिन हृदय से। और अश्विनी नक्षत्र में यदि किसी का जन्म हुआ है तभी आप जंक्शन स्टार में पड़ गए हैं तो आपको भी शांति करानी है। अब गणेश जी के दो रूप होते हैं, शुक्ल पक्ष के जो गणेश जी हैं वो विनायक कहलाते हैं, विनायक भगवान गोरे होते हैं, गोरे तो नहीं होंगे वो तो श्याम वर्ण ही है, लेकिन शुक्ल पक्ष के हैं। और कृष्ण पक्ष में जो भगवान गणेश की पूजा होती है वो संकष्ठी गणेश कहलाते हैं। तो अब इतना पचड़े में नहीं जाना चाहते हैं तो सीधी सीधी प्रार्थना कीजिए, ओम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। या जैसे भी आपको ओम जय गणेश, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, यही जपिए, बच्चे के कान में बोलिए। एक तो ये डायरेक्ट हो गया, ये काम आप कर सकते हैं। दूसरा है, आपके पास शक्ति संपन्नता है, साधन है, सब कुछ है आपके पास ईश्वर का दिया हुआ, तो अच्छा पंडित ढूंढ करके नक्षत्र की शांति करवा दीजिए। नक्षत्र की शांति करवा दीजिए जो पंडित जी बोल है। तो अब ऐसा है ना कि अयोध्या महाराज कि यहाँ भी जब पूजा हो रही थी, सत्यनारायण पूजा हो रही थी, तो पंडित जी ये पढ़ाए यथासाध्य, मैं दान कर रहा हूँ यथासाध्य। तो महाराज बोले कि यथासाध्य क्या, आपको जो बोलना है बोलिए ना, मैं तो कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ। तो बोले महाराज ये टर्म पुरखों के द्वारा, पंडितों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा लिखा गया है, और मैं दान आपसे लूं तो यथासाध्य माने आप तो इतना साध्य है कि पूरा आप हमको अयोध्या दे सकते हैं, अयोध्या ही दान में दे सकते हैं हमको, आप पूरा दरभंगा दे सकते हैं आप, तो मत बोलिए, इसमें थोड़ी सी अहंकार की बू आ रही है, थोड़ी सी अहंकार की मात्रा आ गई है, यथा शब्द शब्द ही रहने दीजिए। तो पंडित जी से बोली कि पंडित जी यथा साध्य जो होगा मैं उतना अर्पण करने के लिए तैयार हूँ, मेरे हिसाब से आप बोलिए कितना खर्चा करना है, लिस्ट लिखा दीजिए,
और एक दिन आकर के पूजा करा दीजिए। और उसमें दो काम जरूर कीजिए, एक तो दो चंद्रमा बनवाइए पंडित जी से, एक तो दान में दे दीजिए, सुनार के दुकान में बना बनाया चंद्रमा मिलता है, और दूसरा पंडित जी को लाल धागे में दे करके बाबू के हाथ में बंधवा दीजिए। एक पंडित जी का चंद्रमा हुआ चांदी का, दूसरा चंद्रमा जो चांदी का है वो बाबू का होगा, आपके बच्चे का होगा, उसके हाथ में बांध दें या गले में दे दें, जहां पर उसको तकलीफ नहीं हो, सोने में गड़े नहीं, ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका है तुला दान, ये सरल है। तुला दान वजन के बराबर अन्न दान कर देना, ये तुला दान हुआ। वजन आपका वेट यदि 40 किलो है तो 40 किलो, बच्चे का वजन यदि 12 किलो है तो 12 किलो अनाज दान कीजिए। तो इसमें जो दान करेंगे चावल या सफेद अन्न, चावल या गेहूं जो होगा, वो यदि 12 साल का 12 केजी का है तो 12 केजी, 40 केजी का है तो 40 केजी, प्लस चावल दे रहे हैं तो उसके साथ दाल देना होगा, उसके जो फिटिंग्स हुए हैं, दाल हुए, सब्जी हुए, नमक छोड़ करके बाकी सब चीज दे सकते हैं। उस पर कपड़ा इतना बड़ा दे दीजिए कि बच्चे का शरीर कवर हो जाए। तो सबसे बढ़िया चीज है एक धोती दे दीजिए और एक साड़ी दे दीजिए पंडिताइन जी के लिए भी, और उसी पर चावल बाबू के शरीर के बराबर वजन के बराबर चावल रख दीजिए, उसमें कुछ दक्षिणा रख दीजिए, चांदी का दो चंद्रमा रख दीजिए, और जो भी सब्जियां हो वगैरह देना हो वो दान कर दीजिए उनका। और पंडित जी को कहिए कि पंडित जी जो एक जो चंद्रमा है पहले बच्चे को पहना दीजिए और आशीर्वाद दीजिए कि बच्चा दीर्घायु हो, स्वस्थ हो, कोई कष्ट अरिष्ट और दुर्भाग्य इसको व्याप्त ना हो, ये कहवा पंडित जी से आशीर्वाद ये दिलवा दीजिए और ये दान दे दीजिए सारा चीज उनको। खत्म हो गई, और कुछ नहीं करना है आपको। ये तुला दान सरल है। अब मान लिया आपकी आयु हो गई है 40 साल और कभी हुआ ही नहीं है, और जाने अनजाने दुख भी व्याप्त हो रहा है, कुछ न कुछ इधर से तकलीफ, कभी उधर से कुछ तकलीफ आ जा रहा है, समझ नहीं पा रहे हैं कि हम तो कुछ बुराई कर नहीं रहे, किसी का कुछ हानि नहीं कर रहे हैं, तो हमको कष्ट क्यों आ जा रहा है। एक छूटता नहीं कि दूसरा पैदा हो जाता है, दूसरा छूटता नहीं कि तीसरा एक और आ जाता है। तो ये सब चीज नक्षत्र दोष के कारण भी होता है। जैसे मान लिया किसी का जन्म है अश्विनी नक्षत्र में है और पहले चरण में ही जन्म है, भरगोत्तम नवांश में जन्म है, तब भी आपको शांति करा लेनी चाहिए ताकि पापा को कुछ कष्ट ना हो। यदि पापा के कुंडली में कुछ कष्ट दिखता है और आपका सतैसा में जन्म हुआ है और सतैसा की पूजा नहीं करवाए हैं, शांति नहीं करवाए हैं, तो पापा का जो कष्ट है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। यदि उनको कष्ट नहीं लिखा हुआ है तो, और पूजा करा दी है, तो उनके शांति में वृद्धि हो जाएगी, उनके आनंद में वृद्धि हो जाएगी। तो कराना हर हालत में फायदेमंद ही होता है। तो ये मैं आज एक तो रिमेडियल्स गणेश और श्री विष्णु की पूजा, दूसरा रिमेडियल्स एक्चुअल नक्षत्र जिसमें जन्म हुआ है उसकी पूजा हो जाना, चाहे अश्विनी की पूजा कर, अश्विनी नक्षत्र की पूजा कर दीजिए, या यदि किसी का जन्म रेवती में हुआ है तो रेवती नक्षत्र की पूजा करवा दीजिए। इसी दोनों नक्षत्र में जिस दिन ये नक्षत्र रहेगा उसी दिन, दूसरे दिन करने से कुछ फायदा नहीं होगा, इसी नक्षत्र में ही करना है। चाहे आप नौनिहाल हैं, एक दिन का जन्म हुआ है आपके बच्चे का, तो 27वें दिन कर दीजिए।
यदि आपने किया ही नहीं है तो कभी भी ये नक्षत्र आपको मालूम है कि इस नक्षत्र में जन्म हुआ है, आपके कोई ज्योतिष आपके कांटेक्ट में है तो डेट ऑफ बर्थ से वो बता देंगे कि आप जंक्शन स्टार में पैदा हुए हैं या नहीं हुए हैं। इस छह नक्षत्र को छोड़ करके अश्विनी, रेवती, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा और मूल, इसको छोड़ करके किसी भी नक्षत्र में जन्म हुआ है तो आपको कोई शांति उन्ति कराने की जरूरत नहीं है, आप एक नॉर्मल जन्म हुआ है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा जो हमने कहा, ये आठ टुकड़े एक्चुअली आठ नवांश हैं, ये रेवती के चार नवांश, अंतिम चार नवांश और अश्विनी के पहले चार नवांश जब जुटते हैं तो ये शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, आर्थिक कष्ट, ये सब चीज जनरेट करते हैं। तो मैं तो चाहूंगा कि कुछ ना हुआ हो तो तुलादान तो कर दें, पंडित जी से माफी मांगते हुए। मैं आपका दान दक्षिणा का हरण करने की बात नहीं बोल रहा हूं उन लोगों को। हर हालत में चंद्रमा तो आप ही ना पहनाएंगे बच्चे को, आप अपना दक्षिणा ले लीजिए उनसे। दो चंद्रमा जो होगा, दो चंद्रमा में से एक चंद्रमा तो आप ही ना उसके गले में पहनाएंगे या बाह में पहनाएंगे, तो उसने कहा दक्षिणा ले लीजिए, चांदी का एक चंद्रमा आपका, दक्षिणा आपका। और तुला दान करते हैं तो अनाज आपका, धोती आपका, साड़ी आपका, ब्लाउज आपके श्रीमती जी का, आपका गंजी गमछा आपका। तो ये संस्कार करना जरूरी है। आज यहीं तक, दूसरे दिन मैं आश्लेषा और मघा वालों के बारे में बताऊंगा। देखिए मैंने क्वालिटी तक बताया कि रेवती के पहले चरण में यदि किसी का जन्म है तो वो आनंद भोग करेगा, दूसरे चरण में जन्म हुआ है तो वो सुखी इंसान होगा लेकिन झगड़ालू होगा, तीसरे चरण में जन्म लिया है तो आदमी सब कुछ आनंद पाएगा लेकिन बेवकूफ होकर ऐसा बिहेव करेगा, और चौथे चरण में जन्म हुआ है तो साहसी होगा, बोल्ड होगा, बट माइजर होगा। इधर अश्विनी नक्षत्र के पहले चरण में जन्म हुआ है तो आदमी कठोर हृदय का होगा, ही विल नॉट बी वेरी काइंड, ही विल हैव एवरीथिंग फॉर रीजनिंग, ही विल रीजन इट आउट, देन ओनली ही विल बिहेव। इसमें कभी कभी कठोरता आ जाती है। ठीक है भाई, अपने अंश से जन्म लिया है, अपने किस्मत से जी रहा है, उसका परिवार अपना है, मेरा परिवार अपना है, मैं क्यों दूं उसको या उससे मैं क्यों लूं, अपना अपना नसीब भोगेंगे हम लोग। ये इस तरह की सोच कभी कभी कठोरता के अंदर में आ जाता है। तो मन में करुणा आना चाहिए, मन के अंदर में करुणा आना चाहिए, दया आना चाहिए, क्षमा आना चाहिए, सद्विचार अच्छे आने चाहिए। तो दया, करुणा, माया, शक्ति, भक्ति, क्षमा, ये सारी चीजें अच्छे गुण होते हैं। ऐसे गुण जो रहेंगे वो आदमी कठोर नहीं होगा। दूसरे चरण में जो आदमी जन्म लेगा वो धार्मिक होगा, मेष राशि का अश्विनी का दूसरे चरण में यदि किसी का जन्म हुआ है, दूसरे नवांश में जन्म हुआ है तो वो धार्मिक होगा, तीसरे में यदि किसी का जन्म हुआ है तो वो भाग्यशाली होगा, और यदि चौथे में जन्म लिया है तो इंद्र के समान वो धनी भी होगा, शक्तिशाली भी होगा और कुछ पावर भी वेल्ड करेगा। ही कैन बी MLA, ही कैन बी ए मिनिस्टर, ही कैन बी प्राइम मिनिस्टर, ही कैन बी राष्ट्रपति एक्सेट्रा, यदि पॉलिटिकली और सारे ग्रह उसको सूट करते हो तो। यदि सारे ग्रह सूट करते हो तो ये लड़का यदि IAS पढ़ेगा तो UPSC कम्पीट कर सकता है। खास करके अश्विनी के चौथे चरण में जिन लोगों का जन्म होता है दे आर वेरी लक्की, अश्विनी के चौथे चरण में जिनका भी जन्म होता है दे आर रियली वेरी लक्की, और जिनका रेवती के पहले चरण में जन्म होता है
दे आर ऑल्सो वेरी लक्की बट लेस देन अश्विनी वाले। तो आज यहीं तक, इति शुभम तहन गो बिना, आज मैं यहीं तक करके बात समाप्त करता हूं। और कल शायद मैं यदि आ सका आपके पास तो अश्लेषा और मघा के बारे में बताऊंगा। नक्षत्र रहेगा, नक्षत्र के सारे गुण आपको मिलेंगे, चारों आठ आठ टुकड़े होंगे, इसके भी आठ टुकड़े होंगे, आठों का डिटेल होगा, पूजा कैसे किया जाएगा और जो तुलादान का रास्ता बताया ये सबके लिए, सभी जंक्शन के लिए ये काम करेगा, जंक्शन नक्षत्र के लिए काम करेगा। आज यहीं तक, इति शुभम तहन गो निनाग्ये जोहार, सबों को मेरा प्रणाम। जमशेदपुर में हो तो यहाँ की भाषा के हिसाब से एक दो शब्द बोल देता हूँ, जो हर शब्द प्रणाम को बोलते हैं, नमस्कार को बोलते हैं। ज्ञानेश एक बार जरा स्टॉप कर देंगे, उतार देंगे ज्ञानेश, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, थोड़ा उतार दीजिए, बंद कर दीजिए। गुड़ी खाना दे सकेगा? ये तो हम ले लेंगे, बोल दीजिए तो हम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।